कैसा दिखता है कोई भी शहर हिंसा के बाद, ये थोड़ा अजीब सवाल है, क्योंकि इसके बारे में कौन ही सोचता है, है ना? मैं भी नहीं सोचती अगर ऐसी जगह बार बार जाना ना होता। हाल ही में एक ऐसी ही जगह जाना हुआ जहां काफी पास से एक शहर को हिंसा के बाद देखा, एक शहर जो राजधानी से बस कुछ ही दूरी पर है। एक तरफ से पहाड़ों से घिरा एक ऐसा शहर जहां इतनी संकरी गलियां हैं, जहां से कैसे निकलना है ये बस उस शहर के लोगों को ही पता है। एक ऐसा शहर जिसने पहले कभी अपने ही घरों में अपने लोगों को मरते हुए नहीं देखा, लेकिन आज उस शहर में सब बदला हुआ है। आज वो शहर छावनी बन गया है। क्यों? क्योंकि कल ही इस शहर ने हिंसा देखी, ऐसी हिंसा जिसने कई लोगों को घायल किया तो कईयों के घरों को खाली, एक ऐसी हिंसा जिसने किसी से उसका बेटा छीना तो किसी से उसका यार, एक ऐसी हिंसा जिसने रातों रात एक शहर की अर्थव्यवस्था को भी ठप कर दिया। मगर किसी भी हिंसा के बाद वो शहर कितना बदल जाता है, सोचा है कभी? जो चौराहा लोगों से भरा हुआ होता था, जिस चौराहे पर गाड़ियों की आवाजें आती थी, आज वो चौराहा बंद है। लोग हैं वहां, कुछ लोग अलग अलग रंगों की वर्दी में तो कुछ अलग अलग रंगों के माइकों के साथ, मगर उसके बावजूद भी एक अलग सा सन्नाटा छाया हुआ है। उस चौराहे के आसपास कल की घटना के कुछ सबूत पड़े हुए हैं, कुछ गाड़ियां टूटी हुई हैं तो कुछ पत्थर जमीन पर पड़े हुए हैं, कुछ चप्पले भी घर से बाजार तक तो पहुंच गई लेकिन फिर अपने घरों को वापस नहीं लौट पाई। ये सब कल की घटना के साक्षी हैं जो आज अपने होने का सबूत दे रहे हैं। नीचे बाजार में सभी दुकानों पर ताले लगे हैं, तो वहीं उन दुकानों के ऊपर बालकनी से नीचे छुपकर झांकते हुए कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं, जो पूछने में हिचकिचा रहे हैं, लेकिन उनकी आंखों में ये सवाल है कि हमारा शहर कब वापस हमारा होगा, कब ये छावनी खत्म होगी, कब हम अपनी नॉर्मल जिंदगी में वापस आ पाएंगे। उन्हें भी पता है कि नीचे जो लोग खड़े हैं उनके पास इस सवाल का जवाब नहीं है, तभी तो बस चुपचाप वहां से अपनी दुकानों को और अपने शहर को देख रहे हैं, इस आस में कि शायद जल्द ही सब कुछ ठीक हो जाए, घरों में फिर से चूल्हा जल पाए, उस चौराहे पर धीमी धीमी आवाज में कुछ बातें भी चल रही हैं। कोई इस कहानी को कैसे लिखे तो कोई इसे कैसे दिखाए, इस पर बात हो रही है। कुछ निगाहें रोड के उस तरफ भी हैं जहां जाने से सभी को मना किया गया है। सब उस शहर की कहानी अपने हिसाब से बयां करना चाहते हैं। उस चौराहे से कुछ ही दूर पीछे की तरफ एक अलग दुनिया है जो अब धीरे धीरे नॉर्मल हो रही है, जहां सड़कों पर पुलिस की सायरन के साथ लोगों की गाड़ियों के हॉर्न भी सुनाई दे रहे हैं। शहर का ये साइड थोड़ा नॉर्मल जैसा दिख रहा है, लेकिन क्या कभी वो पूरा शहर पहले की तरह नॉर्मल हो पाएगा? क्या कभी उस शहर के उसी चौराहे से अगर कोई व्यक्ति गुजरेगा तो उसे वो दिन, उस दिन की चीख याद नहीं आएगी? क्या अगर कोई अनजान उस शहर में आएगा तो वो नहीं पूछेगा कि क्या ये वही जगह है जिसने हिंसा देखी? हिंसा से किसी को कुछ नहीं मिलता, बस इससे सब कुछ ना कुछ गवाते हैं। कोई परिवार अपने घर के सदस्य को खोता है तो एक शहर अपनी रौनक को, प्रशासन अपना भरोसा तो सरकार उम्मीद को, सब कुछ ना कुछ गवाते हैं। उसके बावजूद भी ऐसी घटनाएं हो जाती हैं, क्यों? ये सवाल तो आपके लिए छोड़कर जाती हूँ, थोड़ा सोचिएगा जरूर।